जिला सोनीपत की प्राचीन ऐतिहासिक सांस्कृतिक विश्व विख्यात 68 तीर्थों में पुण्यदायक सिद्धपीठ तीर्थ सतकुंभा धाम पर लगेगा 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या का मेला। अपने पितरों की मोक्षी कामना के लिए तीर्थ स्नान करें, महाकुंभ हरिद्वार का पुण्य सतकुंभा तीर्थ में स्नान करके करें और अपने पितरों की मोक्ष की कामना करें। सतकुंभा धाम के प्रबंधक सूरज शास्त्री ने बताया कि श्रद्धालु बहुत दूर दूर से सतकुंभा धाम पर पहुंचते हैं, उनके लिए सतकुंभा तीर्थ में साफ जल की व्यवस्था की गई है और निशुल्क पार्किंग की व्यवस्था की गई है। भक्तों के लिए अखंड भंडारा किया जा रहा है। सतकुंभा धाम के भक्तों के द्वारा सभी भक्तों को आशीर्वाद में प्रसाद वितरित होगा। ठंडे जल की व्यवस्था भी सतकुंभा धाम पर की गई है। सभी भक्त जन 12 अप्रैल को सतकुंभा धाम पर पहुंचे और इस पुण्य का लाभ उठाएं और अपने पितरों की मोक्ष की कामना करें। तो आइए साथियों, अब सुनते हैं पीठाधीश्वर श्री महंत राजेश्वर जी महाराज का वो दिव्य संदेश जो उन्होंने भक्त जनों के लिए दिया है, आइए सुनते हैं। सतकुंभा धाम के श्रद्धालुओं को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। जैसा कि आप जानते हैं कि कुंभ महापर्व चल रहा है, वर्षों के बाद जो है ऐसा अवसर हमें देखने को मिला है। 2010 के बाद 2021 में ये विशेष योग जो है प्राप्त हुआ है। कहते हैं कि भी प्रयागराज, उज्जैन और नासिक 3 साल के बाद क्रम से कुंभ का आयोजन होता है और प्रत्येक पुनरावृत्ति जो है 12 वर्ष के बाद कुंभ की होती है। तो भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व कुंभ महापर्व है। 1 अप्रैल 2021 से 27 मार्च 2021 तक भारत सरकार ने भी जो है कुंभ पर्व घोषित किया है। तो हमारा जो सतकुंभा धाम है, वो तो सतकुंभा धाम जो स्वयं में जो कुंभ का उद्देश्य, कुंभ का मातम लेके है, क्योंकि इस भूमि पर सप्तऋषियों ने तपस्या की, उन सप्तऋषियों की तपस्या के कारण ही तो हमारे सतकुंभा में भी जो है कुंभ जैसा मातम हमारे को मिलता है। जो लोग हरिद्वार में स्नान के लिए नहीं आ पा रहे हैं, उन सबसे जो है अपील है, सद्भावना है, शुभकामना है कि वो जो है जो ये 12 अप्रैल 2021 सोमवार को जो सोमावती अमावस्या है, 14 अप्रैल को बैसाखी का जो पर्व है और 27 अप्रैल को जो पूर्णिमासी है, जो तीनों ही पर्व का जो महत्व, जो हरिद्वार किसी वजह से नहीं आ पा सकते तो सतकुंभा के स्नान से उनको पुण्य मिलेगा। तो ऐसा मंगल कामना करते हुए मैं सभी से प्रेरणा करना चाहूँगा, सभी को बताना चाहूँगा कि वो जो है अपने इस सतकुंभा धाम को, जिसका नाम ही सर्वसिद्धिप्रद सतकुंभ है, उस सतकुंभा स्नान में कुंभ का महत्व का पुण्य प्राप्त करें, दान करें, पूजा करें और अच्छे कर्म का जो है संकल्प लें। ऐसे अपने सतकुंभा धाम पर कुंभ का जो महत्व लेने के लिए अवश्य पधारें। आप सभी को सतकुंभा धाम की तरफ से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। तो साथियों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने इष्ट मित्र साथियों के साथ में व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर इसे शेयर जरूर करें, ताकि औरों का भी ज्ञानवर्धन हो सके और उनके बच्चों का भी भविष्य उज्जवल बन सके। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ दोस्तों, वो पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसे ही नए सेगमेंट के साथ में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।